एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे लोग टाइटल देख करके सोच रहे होंगे, हैं ये क्या। तो यस, दैट इज़ ट्रू, वी आर मूविंग आउट फ्रॉम दिस होम। एंड हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ है, वो सब आपको, और किस जगह पे जा रहे हैं वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। बट अभी आज मतलब हम लोग मूव आउट करने वाले हैं, आई थिंक आज से 3 दिन बाद। सो दिस इज़ माई सेकेंड टाइम जब मैं मूव आउट करी। मतलब कहाँ तो मैं मूव आउट ही नहीं करती थी, मतलब कभी जीवन में शिफ्टिंग ही नहीं करी। अभी कर रहे हैं तो बैक टू बैक, अभी आई थिंक सेवन्थ मंथ में हम शिफ्ट कर रहे हैं वापस। हमको यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ हुए हैं। तो ये अचानक से क्या हुआ है, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी गाइज। मैं ये थोड़ा जो प्रोसेस है, शिफ्ट हो जाएंगे जब हम जिस जगह पे पहुँच जाएंगे वहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि अचानक से क्या हुआ है। और आई एम एक्साइटेड। अब आप मुझसे पूछो कि मुझे कैसा लग रहा है, तो मेरी शक्ल देख के आपको 1% नहीं लग रहा होगा कि मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि मैं 50-50 जोन में रहती हूँ। मतलब मैं कोई भी नई चीज़ करने के लिए एक्साइटेड भी होती हूँ, डेफिनेटली थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन इस जगह से मैं अटैच हुई हूँ, पर इतनी अटैच नहीं हूँ क्योंकि मुझसे 6 मंथ हुए हैं। तो ठीक है, मैं जहाँ भी जाऊँगी, आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं बहुत आराम से वो हो जाती हूँ। मतलब और इम्पॉर्टेंट क्या है, घर इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप किसी घर में जा रहे हो, वहाँ आप क्या अपना ऑरा, अपनी वाइब क्रिएट कर रहे हो, और वो सारी चीज़ें हैं। तो वो तो मैं जहाँ पे भी रहूँगी वो मैं सब कर ही लूँगी मैनेज। तो इसलिए मुझे दुख, हाँ मतलब ठीक है, अच्छी जगह छोड़ के जा रहे हैं, बट सब कुछ अच्छे के लिए होता है, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा मुझे ऐसे बेचना मत समझना। बट ठीक है, मुझे 50-50 फीलिंग है, ऐसा बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है। सो अभी क्या होने वाला है, मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। मेरा पूरा घर एकदम मेस्ड अप पड़ा हुआ है। जब से मुझे पता चला है कि हम मूव आउट कर रहे हैं, मुझे लिटरली ना एक सामान जगह पे रखने का मन भी नहीं कर रहा है। तो हम जाने वाले हैं, आज है कल परसों, तो हमारे पास अब सिर्फ 3 दिन है सारी पैकिंग करने के लिए। अब जो मिस्टेक्स मुझे ऐसा लगता है, वैसे फर्स्ट पैकिंग में भी मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था सब कुछ, लेकिन क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो कुछ चीज़ें होती है ना कि हाँ वो हमने तब जो किया था वो हम अभी नहीं करेंगे, तो वैसे ही मैं अभी करने वाली हूँ। कुछ जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, तो वो सब मैं आप पहले से ही अपनी वो इम्प्रूव करके यू नो सब कर लूँगी, तो वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो अभी सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ शार लेने के लिए, और मैं अपना हॉल दिखाती हूँ आपको। आज मुझे एक वीडियो भी शूट करना है। वैसे तो मैं कोई भी नया ब्रांड अभी नहीं ले रही हूँ, उनको सबको मैंने बोला है कि भाई आप बाद में आइएगा, मतलब जो 10-15 डेज का स्लॉट है उसके बाद हम बात करेंगे, बिकॉज आई एम मूविंग आउट एंड ऑल दैट। लेकिन जो ब्रांड्स के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उनका वीडियो मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। जैसे होता है ना, एक ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मेरा बना हुआ है कुछ ब्रांड के साथ, तो हर मंथ उनके लिए मैं वीडियो करती हूँ। तो ठीक है, वो भी मान, उन्होंने बोला अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा डेट एडजस्ट कर सकते हो, बट आई वॉज लाइक नहीं, इतना तो मैं कर ही दूंगी। तो वो मैंने कर दिया है, और आज एक और वीडियो मुझे शूट करना है, तो फिर मैं एडिट करके बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। फिर मैं 10-15 दिन मुझे कोई लोड नहीं रहेगा ब्रांड वगैरह का, और मैं थोड़े ब्रांड्स भी इस बार कम ले रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सब काम में बहुत तामझाम रहता है। तो मैं शार लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइज, तो मैं शूट के लिए रेडी हो चुकी हूँ, फटाफट से शूट करती हूँ, और आज ही मुझे एडिट भी करना है, तो फटाफट से ऐसा वाला शूट कर रही हूँ मैं कि ताकि मुझे एडिटिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, मतलब टेक्स ना लेना पड़े, वन गो वाला शूट करूँगी। तो वन गो वाला शूट तो हार्डली टेक्स हाफ एन आवर, और 1 घंटे में फिर वो एडिट भी हो जाता है। तो यस, मैं शूट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइज, सो आई एम डन विद द शूट, बहुत फटाफट मैंने ख़त्म किया है। मतलब थोड़ा टाइम लग गया मुझे, क्योंकि ट्राई ऑन हॉल था ना, तो अलग अलग एंगल से लेने में टाइम लग गया। अब नाउ आई हैव टू क्विकली एडिट द वीडियो, और मैं उसके बाद आप लोगों से फ्री होने के बाद मिलती हूँ, 1 घंटे बाद मिलती हूँ। तो हाई एवरीवन, सो मैं आप लोगों से आई थिंक 2 दिन बाद मिल रही हूँ, और कल मैं एक्चुअली एक पूजा में गई थी, तो इसलिए मैंने ये लगा करके रखा हुआ है, एंड कल भी मुझे एक पूजा में जाना है। तो मेरी जो पैकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये देखिए, मैंने ये पैक कर लिया है, अपना पूरा मेकअप का जो सामान है वो मेरा पैक हो गया है, एक जो बड़ी ट्रॉली है वो मेरी पैक हो गई है, उसमें मेरे सारे बाहर के पहनने के जितने भी टॉप्स हैं वो सब पैक हो गए हैं। दूसरा जो ट्रॉली है ये मैं पैक कर रही हूँ, तो वी हैव ओनली 4 ट्रॉली, जिसमें जो 2 एकदम स्मॉलर साइज वाली है, एक जम्बो है, और जो दूसरा है वो मीडियम बैग है, तो वही शादी वाले जो बैग्स होते हैं वो है। सो अभी भी लेकिन काफ़ी सारे कपड़े बचे हुए हैं। अब जो ऊपर आप देख रहे हैं ना बॉक्सेस, थैंक गॉड कि मैं ये सेव कर रही थी, मैं लिटरली इसके लिए सेव नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही सेव कर रही थी कि जब शिविर शिफ्ट होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है ये वो, क्योंकि लास्ट टाइम पर हमको बड़ी प्रॉब्लम आई थी। बट अभी ये सब काम आने वाले हैं, बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इन ट्रॉलीज में तो कुछ आया ही नहीं है, तो मेरा दिन ख़राब ना जाए, और मुझे आज काफ़ी सारी पैकिंग करनी है, बिकॉज़ कल हम फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये निकालेंगे,
एंड बेसिक पैकिंग मतलब मैं सब कर दूंगी. मेरे को पिछले बार मैंने ऐसे किया था, इस बार भी मैं वही कर रही हूँ. सारी जो भी बेसिक पैकिंग है वो सब कुछ मैं खुद से कर लूँगी, ताकि मैं फिर टेंशन फ्री होकर के बाकी की चीज़ें पैक करवा सकूँ. तो यस, अभी वही पैकिंग चल रही है. पैकिंग तो हो गई है और अभी मैं थोड़े से कार्टन्स लेकर के आई हूँ यही सामने सुपरमार्केट से. तो 20 रुपये पर कार्टन वो बोल रहे थे. मैंने उनको बोला, मैंने कहा अरे आप तो वैसे ही उसको कबाड़ी में देते हो. तो उन्होंने मुझे 7 कार्टन्स इन 100 रुपीज़ में दे दिए. मैं देख के आ गई थी 100 रुपीज़. तो ये कैसे ऐसे खुले हुए होते हैं. तो इनको अब मैं फटाफट से टेप लगाती हूँ. विक्की तो क्योंकि वीकडे चल रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा बिजी है. तो मैं इसमें सेलो टेप लगाती हूँ और इनको रेडी करती हूँ. अभी मैंने 3 कार्टन्स बना लिए हैं. सो आई थिंक अभी के लिए ये इनफ है. तो मैं इसमें पैकिंग करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं. ओके गाइस, तो मैं अब आपको सिचुएशन बताती हूँ. एंड प्लीज़, आपको फ़ैन की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है. एक्चुअली मुंबई में अभी वेदर कैसा हो रखा है, बारिश डेली हो रही है, बट विद सिर्फ 5 मिनट्स की बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है, फिर 2 मिनट की बारिश होती है, फिर धूप आ जाती है. तो इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रखी है कि मुझे बस ऐसा लग रहा है मैं पानी में जाके. तो मैंने ना किसी भी चीज़ में ना टेप नहीं लगाया, मतलब पैक नहीं किया है पूरी तरह से. मैं क्योंकि हम लोग इस बार ट्रैवल करने वाले हैं इंटर स्टेट, मतलब तो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है. तो लेट्स सी. तो मैं जब वो लोग आ जाएंगे तो मैं उनको सबको दिखा दूंगी कि भाई देखो, मैंने काफ़ी ऐसे केसेस सुन रखे हैं दैट सामान निकल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है. जस्ट टच वुड, एंड मैं होप करी कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ. तो मैं ना उनको ऐसा ना लगे कि इन्हें क्या ऐसा सामान है जो पैक कर दिया. तो मैं सब उनको दिखा कि भाई देखो, ये सिर्फ कपड़े हैं, ये सिर्फ मेकअप है, इसमें सेलो टेप और पैक आप कर दो, बट सिर्फ बाकी जो अंदर का स्टफिंग है वो मैंने कर दिया है. नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर मेरा पूरा मेकअप वाला सामान आया है और ये काफ़ी बड़ा सा कार्टन है, इसके अंदर आया है. और जो दूसरा सामान है वो इसके अंदर आया है. बाकी इन सब में मेरे कपड़े हैं, यहाँ मेरे कपड़े हैं, वहाँ मेरे कपड़े हैं, और ये जो नीचे रखा हुआ है ना, इसमें मैं अपने रेगुलर वाले कपड़े रखूँगी. एंड like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Hi everyone, good morning. तो आज है हमारा last day इस घर में. And मतलब अब मुझे थोड़ा ऐसा अंदर से बटरफ्लाइज होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मैं थोड़ा एनजाइटी हो जाती है मुझे, मतलब हैप्पी एनजाइटी भी होती है मुझे, सैड एनजाइटी भी होती है. तो अभी मुझे मिक्स एनजाइटी हो रही है. कौन सी एनजाइटी हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. बट अब जब तक मेरा सामान पहुँच नहीं जाएगा वहाँ तक जहाँ पहुँचना है, तब तक मुझे ऐसे ही लगता रहेगा. और इसीलिए मेरे को आज नींद भी ढंग से, मेरी नींद भी पूरी नहीं आई. लुक एट दिस, ये मेरे को मतलब पिछले 6-7 डे से जब से ये पता चला है और मैं भागा दौड़ी ये सब कर रही हूँ, मेरे ये बढ़ गए हैं, डार्कनेस बढ़ गई है आँखों के नीचे. बट ठीक है, जब मैं पहुँच जाऊँगी तो मैं उनको कवर कर लूँगी, रिकवर कर लूँगी. सो
मैं जल्दी उठ गई थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि पैकिंग स्टेटस क्या है। कल हम लोगों के जो मूवर्स एंड पैकर्स वाले हैं वो लोग कल आएंगे 10 o'clock पे। तो वैसे वो लोग सब कर लेते हैं, बट ना अभी क्या है, पहले तो हम लोग के दो रूम थे, मतलब 1 BHK में हम लोग रहते थे, तो एक रूम में विक्की था, दूसरे रूम में मैं थी। किचन में तो ऐसे कि इतना खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी जगह ज़्यादा इंपॉर्टेंट सामान रहता है, तो वैसे मैनेज हो गया था। बट अभी क्या है, 2 है तो और हम 2 लोग हैं, तो पता नहीं समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनेज होगा। बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से क्या क्या चीज़ें पैक कर लिया है। तो अभी हॉल का तो सब एज इट इज़ ही लगा हुआ है, सिर्फ जो मैंने वॉल के आर्टिफैक्ट्स थे वो सारे निकाल दिए हैं, जो भी वॉल हैंगिंग्स लगे हुए थे, यहाँ से हमारा पूरा जो फोटो वॉल है वो हट गया है। आप ये देखो मैंने कितनी छोटी छोटी नेल्स को यहाँ पे लगाया हुआ था, तो ये नेल्स सब अभी निकल जाएंगी एंड इन होल्स को फिल कर दिया जाएगा, मतलब ये जैसी मेरी थी वैसे ही करके जाएंगे इसको हम लोग। एंड ये सारा सामान रखा हुआ है यहाँ पे, जो वॉल्स का सामान है वो क्योंकि बबल रैप वगैरह होगा ना तो वही लोग रखेंगे, बट बस मैंने निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ से सब कुछ निकाल दिया है ना। इसकी हालत देखिए इस रूम की, ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं, लास्ट लॉट है। एंड यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, जैसे ये लिखा है ना वाइट बेडशीट्स एंड थ्रो, जो वाइट कलर के, वो यहाँ पर सारे बेड लिनन है। इसके नीचे में विक्की के क्लोथ्स हैं एंड इसमें मिक्स्ड क्लोथ्स हैं वार्डरोब नंबर 2 के। तो काफ़ी कुछ सब कुछ ही मैंने ऑलमोस्ट खाली कर दिया। ये बेडशीट्स मैंने पुरानी रख के रखी हैं, बिकॉज़ यू नो कभी कभी पैकिंग में लगता है, यूज़ होता है, तो ये पैक कर दिया है। और कमिंग टू माय दिस रूम, यहाँ तो मतलब स्टार्टिंग से उधर जो रखा था स्टैंड पे, हाँ ये अपना है। एंड ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा है, फिर यहाँ पर भी मैंने सब कुछ, मतलब सब कुछ मेरा ही है इसमें, एक्स्ट्रास कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, हाँ इसके अंदर ड्रेसिंग टेबल का सामान है, इसे मैं लिख देती हूँ। तो ये मैंने लिख दिया ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पर भी लिख देते हैं यहाँ का सामान है। तो अब मैं क्या करूँगी, एक बैग निकालूँगी पर्सनल, और मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है और जो मेरा काम का सामान है जिसको मैं कार में लेकर के जाऊँगी, तो ये रहा वो बैग, तो उसमें मैं सब फटाफट से पैक करती हूँ। एंड मैंने क्या किया था, मतलब मेरा जितना भी काम है वो सब फ्रीज हो चुका है अभी फ़िलहाल के लिए फॉर नेक्स्ट 7 days, और मैंने सब कुछ प्री शूट करके रखा हुआ था, और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टेटस भी डाल दिया था कि मैं थोड़े दिन बिजी। एंड लिटरली मैं सोशल मीडिया, मतलब मैं मोबाइल ओपन ही नहीं कर रही हूँ, इंटरनेट ओपन ही नहीं कर रही हूँ, फ़ोन पे बात कर रही हूँ जिससे बात कर रही हूँ, सारे ब्रांड्स लोगों के अगर कॉल्स भी आ रहे हैं तो मैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे एक वीक का टाइम दो, उसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। एंड ब्रांड्स आर सो स्वीट, वो सब ऑब्वियसली समझ भी रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशन को, क्योंकि मैं इस मिडिल ऑफ शिफ्टिंग में फंसी हुई हूँ। सो यस, फटाफट से ये वाला जो सामान है ना वो रखते हैं। हाय एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ अभी शाम को 5 बजे। मैं आज इतना जम के सोई हूँ क्योंकि मैं 2 दिन से जो स्ट्रेस ले रही हूँ ना यहाँ पर और जो काम भी कर रही हूँ उससे मैं इतना थक गई थी, तो मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो मैं आज मस्त सोई अभी दिन में। पता नहीं अब रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ निशा के घर में, वहाँ पर आज वो है ना, मेरे दिमाग से नाम निकल गया, शिट, आज शिवरात्रि है, सीक्रेट गुप्त शिवरात्रि बोलते हैं, तो आज गुप्त शिवरात्रि है, तो उनके यहाँ पे पूजा हो रही है, तो बहुत अच्छा होता है अटेंड करना। तो मेरी मम्मी ने भी बोला कि तुम यहाँ से अपने घर से सारा सामान तो मैंने पैक कर लिया है, बट मैंने एक सूट ऊपर रखा था तो वही मैं सूट पहन के जा रही हूँ। एंड साथ में मैंने छोटा सा, मतलब एकदम मिनिमल, कितने कम सामान में मैं रेडी हो सकती हूँ, वो मैंने अपने छोटू से पाउच में, मेरा स्किन केयर भी है, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। तो मैंने सिर्फ यही वाला सूट ऊपर निकाल के रखा था, कुर्ता, तो मैं फटाफट से ना वो कर लेती हूँ, ब्लश लगा देती हूँ। I want to be daring, baby, dance the night away, I let my
my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Hey guys, तो मैं निकल गई हूँ निशा के लिए, यहाँ के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर के. मेरी मम्मी ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि ये चढ़ा देना, वो चढ़ा देना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना. मम्मियों का होता है ना एज यूजुअल. एंड एक्चुअली विक्की का फ़ोन बज रहा है, वो ड्राइव कर रहा है इसलिए ले नहीं सकता है फ़ोन. सो यस, एक और मिठाई की हम लोग पैकेट ले लेंगे यहीं पास से एंड फिर हम लोग निकल जाएंगे. हेलो गाइस, तो हम लोगों की जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं. रोशनी में देख लो आप लोग, वो विक्की है खाना वाना खा करके.